यहाँ पे सुबह के टाइम इतनी ज्यादा वो रहती है, गर्दी मची हुई है एकदम, कोई दिखाई नहीं दे रहा। उखला की मंडी है ये, सुबह के टाइम इतनी गर्दी मची रहती है यहाँ पर। इस समय देखो कचरा वाली गाड़ी कचरा उठा रही है। ₹130 और प्याज का, प्याज ₹80 हेलो लेटे तो नहीं होंगे ना भैया, वापस हो जाते हैं। और इस साल में और उस साल में क्या फर्क है? वो काली है ये। कैसे किलो बताया उन्होंने? 130। भैया बोरा मिल जाएगा, वापिस कर दूंगा भी सामान रख के, वो सामान वापिस कर दूंगा। मंडी का रेट का वीडियो बना रहा, कितना बताया आपने? ₹70 घड़ी ना, ठीक नहीं है।
सर्विस लोगे? आप कैसे में दोगे? 40। ₹2400 किलो बता रहे ₹20 किलो यार वो एक्टिव बना रहे ना आधा घंटा बात करो ठीक है। ठीक है देर अच्छे अच्छे हाँ नींबू है अदरक कैसे रेट लगाया आपने? 100 रुपये किलो। और लहसुन? लहसुन 120 120 रुपये किलो। चलो ठीक है। हाँ 7% खर्चा। मैं सिर्फ ना मंडी का ना जैसे भाव है ना वो पता करके बस थोड़ा सा। और दूसरी बात कि अगर सही लग रहा है तो ले भी ले रहे हैं। जैसे अभी चाहिए था मेरे को 10 किलो चाहिए था आलू, लेकिन आपके यहाँ पे मिलेगा नहीं मेरे को, वो बात हुआ है। और भाई जनमन क्या हाल चाल है? कुछ बोल ही नहीं रहा ये तो शांत बैठ। मतलब हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं, हमारी स्कूटी लगी थी तो करीबन 9 फीट के सामने उसको वो 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे पीछे की तरफ मुड़ के आराम से बोले यार निकल लेते हैं यहाँ से, तब तक साला पता नहीं कहाँ से पीछे से आके छुपके से आके पेट वेट निकला हुआ उसका, ऐसे पकड़ा मेरे को पीछे बोला हंसने भाई रुक जा नहीं तो तू आगे निकल जाएगा और मैं इसके हाथ में। उसने फिर रोकी, जैसे ही उसने रोकी तुरंत उसने चाबी वाबी निकाल ली और काफी बातचीत हुई उससे, मतलब
लाइसेंस है, ये देख लो, आरसी देख लो, ये देख लो, फलाएगा। बोला हेलमेट कहाँ है तेरा, ये बता सर। मतलब सब कुछ है तेरे पास, हेलमेट क्यों नहीं है? बोला बोला शक्ल दिखाने का ज्यादा मन करता है, शक्ल अच्छी है, सुंदर है, तो शक्ल दिखा के चलाएगा। बोला बोला सर ऐसी बात है कि यहाँ से डेली निकलते हैं हम लोग, मतलब स्टूडेंट लोग हैं हम लोग निकलते, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ। बोला ज्यादा वो मत कर, चुपचाप क्या कहते हैं अपना वो कटवा ले, चलान कटवा ले। हमारे सामने एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जा रहे थे गाड़ी में, उन लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहना था। वो जो लड़की थी उसने स्माइल पास कर दी जो उन सालों को रोका था। बोला अरे बच्ची है साथ में जाने से। इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हो सर, मुंह पे बोला ट्रेन से मुड़ो, रेलवे से मुड़ो। तो बोले ज्यादा मत बोल, क्या कहते हैं वो, हम लोग आदमी को पहचानते हैं, शक्ल से पहचान लेते हैं कौन कैसा है। गाड़ी में हेलमेट पहना, तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद उस कुछ थोड़ी बहुत बहस हुई, बहस का निष्कर्ष ये हुआ कि भाई उसने 100 रुपए लिए पीछे से जेब में से, और बंदे ने छोड़ दिया। वही चाहिए उसने।